अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जो रिश्ता जो है अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो खातून हैं जिनका रिश्ता है, इनका नाम है लुबना बीबी। तो 47 साल लुबना बीबी जो है इनकी उम्र है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दिया करें, ताकि हमारे आने वाली हर नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच जाए और हमारा साथ यूं ही बना रहे। तो दोस्तों, जो रिश्ता मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, लुबना बीबी का 47 साल उम्र है, ये एक तलाक याफ्ता खातून है। इनकी तलाक हो चुकी है, 3 साल हो गए हैं इनकी तलाक हुए। इसके अलावा जो है ये जो है लुबना बीबी, इनकी जो हाइट है वो 5 फुट है। तालीम जो है ये अंडर मैट्रिक है, यानी कि इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। इस वक्त जो है ये लुबना बीबी कराची सिटी में रहती हैं। इनकी जो है एक बेटी भी है जो कि शादीशुदा है। जो है एक ही बेटी थी इनकी, वो शादीशुदा है, तो इसलिए जो है इस वक्त ये जो है अपनी जो है बहन जो है इनकी बहन है, उम्र में इनसे छोटी है, उनके घर पर ये रहती हैं। तो अभी जो है ये चाहती हैं कि दोबारा से शादी कर लें, ताकि जो है अपने घर में जो है ये अपने शौहर के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। इनका अपना ज़ाती घर है जो कि हैदराबाद सिटी में है, क्योंकि बेसिकली ये हैदराबाद की रहने वाली हैं। कराची में ये अपनी बहन के घर पे रहती हैं इस वक्त। तो हैदराबाद में इनका अपना जाती घर है, तो ये चाहती हैं कि दूसरी शादी करें। इसके लिए जो है लड़का जो है जिसकी जो है इन्हें तलाश है रिश्ते की, तो मर्द जो है उसकी उम्र जो है वो अगर जो है 55 साल तक हो तो ज़्यादा बेटर है, यानी कि 55 साल से ज़्यादा ना हो, मुसलमान हो, इसके अलावा ज़ात बरादरी कोई भी हो, पहली या दूसरी या तीसरी भी शादी करना चाहता हो तो ये तैयार हैं। तो वो हमारे दोस्त जो चाहते हैं इनसे बात करना, शादी के मामले में इनसे मिलना, तो बराए मेहरबानी अपनी तमाम तर तफसीलात के साथ अपना मोबाइल नंबर और जो है अपनी जो है तमाम तर तफसीलात और अपना मोबाइल नंबर ये जो है नीचे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख दें। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे रब्ता कर लेंगे। अगर आपके नसीब में हुआ तो ये रिश्ता आपके लिए ज़रूर खुशियाँ लेकर आएगा। इसी के साथ हम इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।